सभी किसान एवं पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल नारायण डेयरी पर स्वागत है। आज हम बताएंगे गाय के बच्चे का, जैसे बछिया का या बछवा का सिंग रोधन कैसे किया जाता है, जिसे इंग्लिश में डिहार्डनिंग बोला जाता है और इसे लोग कई लोग बोलते हैं सिंग दागना। हम आपको बताएंगे जो मेथड, केमिकल मेथड से बताएंगे और इसे कई सारे और मेथड से किया जाता है, जैसे राड को गर्म करके किया जाता है, चम्मच गर्म करके, या और इलेक्ट्रिकल मेथड से आता है जिसमें राड टाइप का होता है उसको, उससे भी होता है। तो हम आपको बताएंगे केमिकल में से सबसे आसान होता है, इसमें सबसे कम दर्द भी होता है और सबसे कम पैसे भी लगते हैं। इसी में बहुत ही आसान होता है। इसमें तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपके पास एक कैंची होनी चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए और एक पेस्ट आता है क्रीम, जो एक क्रीम अगर लाएँगे पेस्ट तो मुश्किल से बहुत महंगा नहीं आता है, लेकिन एक में आप 10 से 15 बचिया का आराम से हो जाता है। लेकिन इस चीज़ में आपको काफ़ी चीज़ की सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं, जैसे स्किन पर ना लगे, आँखों पर ना लगे और अपने हाथों को भी और अपने शरीर को भी बचाना पड़ता है, जिस जलने के चांसेस होते हैं, आँख ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपको कैंची लेना है और जहाँ पर उसके सेल्स होते हैं हॉर्न, मतलब सिंग के, उसको वहाँ पर आपको कैंची से साफ़ करना है। जब वो ब्लैक दिखने लगेगा, पूरा सही से साफ़ कर देंगे तो वहाँ ब्लैक दिखेगा। फिर उसके ऊपर ही केवल इस दवा को कॉटन रुई के द्वारा लपेट के, इसमें किसी चीज़ से, मतलब आप ग्लव्स पहने, हाथ से भी कर सकते हैं, ग्लव्स नहीं पहने किसी चीज़ में दूरी से देखिए, इस तरह आपको रगड़ना है काफ़ी देर तक उस ब्लैक में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के आसपास। जब रगड़ेंगे आप, आपको वहाँ पर दिखने लगेगा सेल्स और काफ़ी देर तक इसे करना पड़े आपको, लेकिन काफ़ी चीज़ की सावधानी बरतनी। आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप ना करें, खतरा रहता है। इसमें काफ़ी कम खर्च, मुश्किल से 4 या 5 रुपये के आसपास खर्च इसमें आता है, समय ज़्यादा लगता है। देखिए काफ़ी आराम से, ज़्यादा दूरी बस उतना ही जगह आपको रगड़ना है इस पेस्ट से। हमने पेस्ट को नहीं दिखाया है कि किसी कंपनी का हो, लेकिन उसको कहीं उस पर लगा के आराम से उस पर काफ़ी देर तक रगड़ते रहना है और अपने हाथों को भी बचाते हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है और यह करना है तो जब बच्चिया 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच है, मतलब 15 से 20 दिन के, उसी समय करना सबसे अच्छा होता है। उसके बाद करेंगे तो डर होता है, कभी कभी मान लीजिए एक सिंग हो गया तो और भद्दा दिखते हैं जानवर, और इसलिए समय पर करना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो इसे 15 दिन की ज्यों होती है और 20 दिन के अंदर जब होती है उसके बीच में ही यह पेस्ट लगवा देना चाहिए ताकि सिंग ना हो सके। देखिए इसे काफ़ी देर तक लगाना पड़ेगा, दवा लगा लगा कर उस पर बदलते रहिए, उस रुई को भी आप बदलते रहिए कॉटन को। इस मेथड में किसी भी लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती, या तो इसको बेहोश करने की या सुन्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी और सारे मेथड में सुन्न करना पड़ता है तब किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको बदल के आराम से धीरे तक साफ भी करते रहिए और उसको जितना देर तक कर रहे हैं उसके बाद साफ भी उसके कागज जरूर कर करके देखते रहिए कितना हो गया कितना नहीं हुआ है। हम लोग 2 बच्चे का एक ही साथ कर रहे थे, देख सकते हैं अब इस टाइप का हो जाएगा। तब लास्ट में 10 से 15 मिनट करेंगे तो तब इस पर छोड़ दीजिए और 24 घंटे तक आपको इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, कौवे ना मारे या कहीं ये रगड़े ना, इन सब चीज़ों का आपको बारीकी से ध्यान। तो कोई एंटीसेप्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसको बचाना पड़ेगा, कहीं दूर और अकेले बांधना पड़ेगा ताकि ये किसी से रगड़े ना कहीं। मुश्किल से आपको 24 घंटे के आसपास लगे और यह घाव सूख जाएगा, और कई चीज़ों से इसको बचाना। बरसात के मौसम में इस दवा को नहीं लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बचा कर लगाएँ, क्योंकि फैलने के चांसेस होते हैं। तो फिर देख सकते हैं पूरी तरह से हो गया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए।